के अंदर और भी फिगर आ सकते हैं, लेकिन इस फिगर में कौन कौन सा एरिया किस किस चीज को मार्क कर रहा है लेट अस अंडरस्टैंड। अगर मैं तुमको बताऊं तो रेक्टेंगल क्या है डॉक्टर्स, रेक्टेंगल क्या है डॉक्टर्स, सर्कल क्या है कॉलेज प्रोफेसर, और ट्राइंगल क्या है सर्जन। अगर आपको ये बात क्लियर हो रही है तो मेरे को एरिया चाहिए, मैं स्टार्ट करता हूँ वो एरिया जहां पे प्लीज जहां पे सबसे पहले ओनली सर्जन, जहां पे सिर्फ सर्जन है, सर्जन के अलावा कोई नहीं हो। तो जितना मैं समझ पा रहा हूँ इस पूरे ट्राइंगल में अकेला ट्राइंगल का ग्यारह एरिया जो है जिसमें सिर्फ सर्जन है उसको बोल सकते हैं टू ओनली सर्जन, ठीक है ना। मेरे को अभी दो मिनट के लिए चाहिए ओनली कॉलेज प्रोफेसर, अगर सिर्फ कॉलेज प्रोफेसर चाहिए इस पूरे एरिया में कि जहां पे सिर्फ कॉलेज प्रोफेसर है और कोई नहीं है तो बेटा वो कौन सा एरिया है वन। अगर मेरे को चाहिए सिर्फ ओनली ओनली डॉक्टर्स, अगर ओनली डॉक्टर्स की बात करें तो ये एरिया हो गया कितना जहां पे सिर्फ डॉक्टर्स वो कितने हैं थ्री, डॉक्टर कितने हैं थ्री। अब अगर मैं देखो बोलूं मुझे चाहिए ऑल, ऑल मतलब क्या जो डॉक्टर्स भी हो कॉलेज प्रोफेसर भी हो और सर्जन भी हो, तो डॉक्टर हो कॉलेज प्रोफेसर सर्जन हो, तो मेरे ख्याल से ये जो एरिया कॉमन आ रहा है अगर बच्चा ध्यान से देखेगा तो ये जो एरिया आ रहा है खासकर सिक्स वाला, क्या इसमें सर्कल भी है हाँ, ट्राइंगल भी है हाँ और रेक्टेंगल भी है, तो जो ये एरिया है सिक्स उसमें क्या आ रहा है बेटा डॉक्टर भी है कॉलेज प्रोफेसर भी है और सर्जन भी है। अगर मैं थोड़ी सी आगे बात करूं तो मेरे पास अगली चीज है मेरे को चाहिए जो कि हो डॉक्टर एंड सर्जन, डॉक्टर एंड सर्जन, तो डॉक्टर एंड सर्जन मतलब जहां पे ट्राइंगल हो रेक्टेंगल हो, ट्राइंगल और रेक्टेंगल, तो इसका मतलब वो क्या हो गया डॉक्टर एंड सर्जन। अगर मुझे चाहिए इसके आगे मुझे चाहिए प्रोफेसर एंड डॉक्टर, प्रोफेसर एंड डॉक्टर, तो जो प्रोफेसर है वो तो सर्कल है और डॉक्टर है वो क्या है ट्राइंगल, प्रोफेसर डॉक्टर कौन सा एरिया प्रोफेसर और डॉक्टर ये कौन सा एरिया होगा फाइव, जहां पर डॉक्टर भी हो और रेक्टेंगल भी हो तो कौन सा एरिया हो गया फाइव। जब मैं देखो बोलू मुझे चाहिए प्रोफेसर एंड सर्जन, प्रोफेसर मतलब क्या गोला, सर्जन मतलब क्या ट्राइंगल, तो ये कितना मेरे पास फोर, ठीक है। अब अगर मैं तेको बोलूं कि ये सब नंबर्स थे कितने डॉक्टर्स हैं कितने प्रोफेसर हैं, तो तेको क्वेश्चन ये पूछा जाता है हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर, तो तेको पूछा है ए और बी और सी, मतलब ए और बी और सी, जिसका फॉर्मूला अपन पिछले वाले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए एंड बी माइनस बी एंड सी माइनस ए एंड सी प्लस ए एंड बी एंड सी, ये अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ा। तो अपन बात करना चाहें तो बस ए कितने हैं, अभी तो ए पता ही नहीं, अब सर ए कैसे निकालेंगे ए कितने हैं, ए मतलब अगर मैं देखो बोलूं मेरे को सिर्फ सबसे पहले ए का मतलब है डॉक्टर्स, ए का मतलब क्या है डॉक्टर्स, या ए का मतलब आप ले लो भले प्रोफेसर, तो प्रोफेसर कुल मिला के कितने ए का मतलब, सर देखो प्रोफेसर मतलब गोला बाकी ना, तो गोले में क्या आ रहे हैं पांच छ चार एक, तो प्रोफेसर कितने हैं चार, मेरे पास छ प्लस चार प्लस पांच प्लस एक कितना हो गया सोलह। अगर मैं सोचूं डॉक्टर्स कितने हैं, डॉक्टर्स डॉक्टर्स का मतलब हम क्या मानें बी, तो सात तीन पांच छ सही, सात प्लस तीन प्लस पांच प्लस छ, तो ये कितना नंबर्स इक्कीस। अगर मैं देखो बोलूं बस सर्जन कितने हैं, सर्जन कितने हैं अस्सी, दो सात छ चार, तो दो प्लस सात प्लस छ प्लस चार इज इक्वल टू कितना हो गया नाइनटीन, इज इक्वल टू कितना हो गया बोलो फिर ऑप्शन नहीं आता, दो प्लस सात प्लस छ प्लस चार हाँ कि ना, तो कितना हो गया अपने पास नाइनटीन, कितना हो गया अपने पास नाइनटीन, क्या आता कोई डाउट। अब आपको ए भी मिल गया बी भी मिल गया सी भी मिल गया, ओनली ए है ओनली बी है ओनली सी है, तो क्या आप इससे बहुत कुछ निकाल सकते हो, हाँ आपने पूछा लोग कितने थे, तो ए कितना है इनका सोलह, बी कितना है ट्वेंटी वन, सी कितना है नाइनटीन, माइनस ए एंड बी कितने हैं सात, बी एंड सी कितने हैं पांच,
ए एंड सी कितने हैं चार, और जो तीनों थे, जो तीनों थे ऑल वो कितने थे छह। कैसे तुम आंसर निकाल सकते हो, क्या है फाइनल आंसर 46, 46 एक दो तीन या इसी में चार भी डाल दू उसकी चिंता मत कर, तू आराम से स्टार्ट करा कर ओनली। सर आपने ओनली से क्यों करा, कि मैं जितना अंदर घुस घुस के जाऊंगा उतना मेरे को डिफिकल्ट पड़ेगा, मैं जितना बाहर बाहर निकलूंगा कि ओनली सर्जन दिखते मैंने टू निकल गए, चलो अच्छे से ओनली वो कितने वो निकल गए, ओनली डॉक्टर्स कितने वो निकल गए। अगर आप ओनली ओनली निकाल लोगे फिर जाओ कॉमन्स में, फिर क्या जाओ कॉमन्स में, या एक ये लो ऑल ऑल कौन सा ऑल जहां पे तीनों चीजें इंटरसेक्ट कर रही है, तो तीनों चीजें इंटरसेक्ट काम कर रही है यहाँ पे, तो कौन सा एरिया ऑल जहां पे तीनों चारों डायग्राम क्या कर रहे हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो क्या सर ऐसे एलआर लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट होता है? हाँ। क्या बड़ी बड़ी एग्जाम में ऐसे पांच छह फिगर मिला के आते हैं? बोलो कि डाउट तो नहीं आता, कर सकते हो।